जी व्यूवर्स, वरी मां सभिनी खे साईअ खां पोइ भली कार चवां थी ऐं ॻाल्हि ॿोल खे असां उतां ई अॻिते जोड़ींदासीं। सो मौजूदु महिमान शख़्सियतूं हिते मौजूदु आहिनि, मोहतरम इसरार अब्बासी साहिबु ऐं ख़लील चांडियू साहिबु। उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल असांजी हले पई, सो सिलसिले खे असां अॻिते जोड़ींदासीं। सर, मां पंहिंजे इंट्रो में ॻाल्हि कई त असांजे अंदरि सहप जो मादो नाहे रहियो, न सिर्फ़ु अवाम जे अंदरि पर असांजा जेके नुमाईंदा आहिनि या असांजा जेके अॻुवाण आहिनि जिन खे असां फॉलो कयूं था, उन्हनि जे अंदरि बि सहप जो मादो कोन आहे। ऐवाननि में अवां ॾिसो त हिकु ॿिए खे तेज़ आवाज़ में मतिलबु ब्लेम कंदा, बाबा हे कमु हिन न कयो आहे, हुन कमु न कयो आहे, माना घणियूं शयूं, घणो रुख इहो सवालु आहे। सो इन हवाले सां तव्हांजो छा ओपिनियन आहे त छो असां एतिरा छिर विखड़ा थी विया आहियूं? ॾिसो, सभ खां पहिरियों त अबाई साहिबु जेका ॻाल्हि कई उहा तमामु इम्पोर्टेंट ऐं आम हुई, त असां वटि इंस्टीट्यूशन्स आहिनि ई कोन जेके बुनियादी तौर ते इन शयुनि खे, इन मसलनि खे एड्रेस कनि। ॿिए नंबर ते इहो आहे त ज़िंदगी जा क़दर तेज़ी सां तब्दील थी रहिया आहिनि। जेके अॼु खां कुझु वक़्तु अॻु जेके ज़िंदगी जा क़दर बाहिस इज़त बाहिस फ़ख्रु हूंदा हुया, अॼु उहे क़दर बाहिस ज़िलत थी पिया आहिनि। उन जा बुनियादी सबबु जेके आहिनि, वरी बि मां उहो चवंदुमि त असांजे इंस्टीट्यूशन्स जी खोट आहे। अवामी सतह ते ॿियनि हवालनि सां किथे बि अहिड़े क़िस्म जो स्कूल ऑफ थाट मिले कोन थो जिथे असांखे इन क़िस्म जी का समुझाणी मिले, जिथां को सबक मिले, जिथे असां बुनियादी तौर ते पंहिंजी ज़िंदगी जे क़दरनि खे सम्झी सघूं। अबई साहब बिल्कुलु दुरुस्त ॻाल्हि कई त जेसि ताईं कंहिं बि शइ में शिदत नथी आणिजे, उन शइ खे ॿुधो ई कोन थो वञे, उन शइ खे ॾिठो ई कोन थो वञे, उन शइ खे सम्झो ई कोन। बुनियादी ख़राबी असांजी आहे। असांजे मुल्क जे अंदरि तव्हां जेके जेके चङियूं शयूं आहिनि, उन्हनि चङियुनि शयुनि खे ज़वाल पज़ीर कंदा था वञो, सुठियुनि शयुनि खे प्रोमोट कयो कोन था। मूंखे यादि आहे, मूं वॉशिंगटन DC जे हिकु इमारत जे भरिसां गुज़रां पियो, कुझु साल अॻु मां वियो हुउमि हुते, त हिकु ॾाढी ख़ूबसूरत इमारत नज़र आई। उन इमारत लाइ मूंसां जेको दोस्त गॾु हुयो, उन खां पुछियो त यार हीअ इमारत ॿियनि सभिनी इमारतुनि खां मुख़्तलिफ़ शो आहे, माना ॾाढी सुठी थी लॻे, ॾाढी वाइट वॉश ऐं गुल फूल पौधा इहे छा सभु हीअ उते लिखियलु हुयो उन जे मथां बोर्ड जेको लॻियल हुओ, दी करेक्शन सेंटर। त मूं हुनखे चयुमि त यार हितां जे स्कूलनि जा अजीब नाला आहिनि, करेक्शन सेंटर जो त कॉन्सेप्ट ई कोन्हे असां जहिड़े पाकिस्तान जहिड़े मुल्क में। त हुन मूंखे खिली चयो त हीअ स्कूल न आहे, हीअ जेल आहे, दिस इज़ द जेल आहे, प्रिज़न, करेक्शन सेंटर। मूं हुन खां वधीक जंहिं महिल तफ़सील पुछियुमि त छा आहे इन करेक्शन जो पोयां कॉन्सेप्ट कहिड़ो आहे, हुन चयो त जेको मुजरिम, जेको ॾोहारी जंहिं क़िस्म जी नोयत जो ॾोहो करे ईंदो आहे, त जज जेके हूंदा आहिनि उहा एॾा साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हूंदा आहिनि, एॾा माहिर हूंदा आहिनि पंहिंजे इल्म में, पंहिंजे फ़न में, पंहिंजे फ़िक्र में, उहो असरटेन कंदा आहिनि त हिन कहिड़े क़िस्म जी नोयत जो जुर्म कयो आहे ऐं हिन खे केतिरो वक़्तु अंदरि जेल में रखिजे त हीअ हिते करेक्ट थी वेंदो। पोइ उन मुल्ज़िम खे ओतिरे जी 6 महीननि जी साल जी सज़ा मिलंदी आहे। उन सज़ा जे अंदरि लाइक़ु प्रोफेसर्स हूंदा आहिनि, वॾा डॉक्टर्स हूंदा आहिनि, माहिर नफ़्सियात हूंदा आहिनि, जेके उनखे करेक्ट करे वरी मुआशिरे जो हिकिड़ो बाक़िरदार माण्हू बणाए हुनखे वापसि मोकिलींदा आहिनि त हीअ हाणे सही आहे, हाणे वधीक को बि जुर्म जो इरतकाब न करे सघंदो। असां वटि छा थो थिए? तव्हांजा स्कूल, तव्हांजा जेल, तव्हांजा थाणा, तव्हांजी पुलिस, तव्हांजो टोटली जेको बि सिस्टम आहे मुकमल तौर ते नाकार थी चुको आहे। सियासत लफ़्ज़ जी जेका लुगवी माना आहे उहा आहे हिकमत अमली जी, यानी कि सियासत जो मतिलबु, सियासतदान जो मतिलबु त हिकमत अमलियूं जोड़ींदड़ माण्हू, माना उहे हिकमत अमलियूं कहिड़ियूं हुजनि त असां कीअं पंहिंजे मुल्क खे मुआशी तौर ते तरक़ी जी तरफ़ वठी वञूं, असां कीअं पंहिंजे मुल्क खे समाजी तौर ते उनखे इर्तका जी तरफ़ वठी वञूं। हाणे तव्हां ॾिसो असांजे सियासतदाननि जे अंदरि जेके इख़लाक़ी पस्ती जा जेके या उन्हनि जा जेके स्कैंडल्स अचनि था, तव्हां ॾिसो त हिन वक़्तु जेको हेकर जेके मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी हैकिंग्स अचनि थियूं ऐं जेके स्कैंडल नमूदार थी रहिया आहिनि, तव्हां ॿुधायो त इहे सॼे मुल्क जे लाइ बाहिस न सिर्फ़ु शर्म आहिनि पर यकीन कयो त असांजो को बि फैमिली में वेही माण्हू इन ॻाल्हि खे डिस्कस कोन थो करे सघे, उहो ॾिसी कोन थो सघे। ऐं सोशल मीडिया हर माण्हू वटि मौजूदु आहे, हर माण्हू वटि मोबाइल आहे, हर माण्हू चैनल आहे ऐं हर माण्हू उनखे ॾिसे थो त बाबा हीअ न हेकर हीअ छा चयो आहे, हिन जे लाइ छा चयो आहे, हिन शइ लाइ छा। जॾहिं तव्हांजी एॾे क़िस्म जे समाज
ज़वाल ऐं पस्तीअ जो शिकार आहे। उते जेकॾहिं तव्हां कंहिं बहितरी जा ख़्वाब लहो था त मां सम्झा थो त इहो हिकिड़ो दीवाने जो ख़्वाब ई साबित थी सघे थो। बाक़ी को ख़ुदा करे हिन मुल्क जे अंदरि कहिड़े क़िस्म जी बहितरी जी का सूरत हाल निकिरी अचे, मां नथो सम्झां त मुल्क जे मौजूदा सियासी सेटअप जे अंदरि, मुल्क जे मौजूदा सियासतदाननि जे अंदरि हीउ मुल्क उन्हनि खां सिधो थी को हली सघे थो। सही सर, अभी द करेक्शन सेंटर की बात हुई, ऐवान मुझे लगता है कि वो जगह है जहाँ पर आवाम की ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल के फ़ैसले किए जाते हैं, लेकिन वहाँ मुझे फ़ैसले होते नज़र नहीं आते, ना ही मसाइल के ऊपर बात होती नज़र आती है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं अभी से बात कह रही हूँ, सिर्फ ये होता है कि जी इस बंदे ने काम नहीं किया, उस बंदे ने काम नहीं किया, फलां पार्टी ऐसी, ये पार्टी वैसी, ये क्या है? मतलब आवाम को छोड़ के आप आपस में लड़ने बैठ जाते हैं। देखें, करेक्शन सेंटर बिल्कुल ठीक है, इस्लाह। और हमारे यहाँ इस्लाह के बजाय हम बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। हम अगर एक बच्चा डबल सवारी के जुर्म में पकड़ा जाता है तो उसको भी जेल में वहाँ डाला जाता है जहाँ कातिल और डकैत वहाँ मौजूद हैं, तो वो इस्लाह के बजाय उनसे अडॉप्ट करेगा कि इस कातिल के पास तो इतने मुलाजिम हैं, कोई इसके पैर दबा रहा है और ये कर रहा है, तो उसके जहन में क्या चीज़ आएगी कि मुझे तो पुलिस वालों ने बिल्कुल उठा के इधर फेंका हुआ और इसके पास देखो सारी आसाइशें हैं जेल के अंदर भी। तो आपका कंसेप्ट क्या होगा कि आपने बड़ा मुजरिम बनना है, आपने अपनी इस्लाह नहीं करनी, इस्लाह नहीं करनी। ठीक है, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। सवाल आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो हमारा पोलिटिकल सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। चांदनी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमने जितनी ओवरऑलिंग की, हमने जितनी इंजेक्शंस लगाए, इस उस पार्टी को तोड़ के ये पार्टी बना लो, इस पार्टी को तोड़ के ये पार्टी बना लो, इसके बजाय इसको पावर में ले आओ, उसके बजाय उसको हटा दो, ये जो तजर्बात हमने लेबॉर्टरी बना दिया पाकिस्तान को, तो उस लेबॉर्टरी में जब आप मुख्तलिफ केमिकल्स को डालेंगे तो वो कोलैप्स ही करेगी। मैं एक चीज़ से चांदनी साहब से इत्तफाक नहीं करता, और वो ये इत्तफाक ये नहीं करता कि हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। देखें, इस वक्त दुनिया के चंद ममालिक में से पाकिस्तान वहाँ है जहाँ 60% यूथ है, और इस यूथ को अगर हम सही डायरेक्शन पे ले आए तो हमारा मुल्क ठीक हो सकता है, क्योंकि ये वो यूथ है जो पढ़ी लिखी भी है, अवेयर भी है। और आज आप देखें हमारी चीज़ों में, जो आज से पहले हम किसी भी सिलसिले में बात करने से घबराते थे, आज वो खुल के बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इस अंधेरे में रोशनी की किरण ज़रूर है, लेकिन अगर हमने इस यूथ को भी उस पुरानी नस्लों की तरह ट्रीट किया, और इन देखें आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन कब पैदा होती है, जब आप अपने जायज़ बात को मनवा ना सकें। सॉफ्टली मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात नहीं सुन रही, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर चीखूंगा, लाजिम सी बात है, तो माशरा वहाँ कोलैप्स करता है। हम अभी भी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत बेहतर हो सकता है, हो रहा है। असेंबलीज़ के अंदर होता क्या है, बेसिकली असेंबलीज़ में पावर पॉलिटिक्स है, लेजिस्लेशन नहीं है। असेंबली, मैं अपनी पार्टी को इस दफ़ा जब हमारी गवर्नमेंट आई तो मैंने विद इन पार्टी ये बात की कि हमारी जो तंजीमी चीज़ें हैं उनको अलग रखें और लेजिस्लेटर्स को अलग रखें। लेजिस्लेटर्स का काम सियासत करना नहीं है, अगर आवाम ने वोट दे के उनको असेंबली में भेजा है तो उनका काम कानून साजी करना है। बिल्कुल, ऐसे कवानीन बनाएं जिसकी वजह से जो हमारे मैनिफेस्टो को रिफ्लेक्ट करते हैं और आवाम की फलाह बहबूद का काम हो। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, वहाँ कोई आप कंस्ट्रक्टिव बात करें तो कोरम ही पूरा नहीं होता, सारे अराकीन उठ के चले जाते हैं, और कोई इख्तलाफी बात करें तो उस पर सब डेस्क बजा रहे होते हैं। ये फिर ओवरऑल हमारे माशरे को ही रिफ्लेक्ट करती है असेंबली, और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमने माशरे को ठीक नहीं करना, माशरा किससे ठीक होगा, मुझसे ठीक होगा? हम ये कहते हैं मेरी कोशिश होती मैं आपको ठीक कर दूँ, अगर मैं खुद ठीक होऊंगा तो आपको इंस्पायर करके ठीक कर सकता हूँ, लेकिन हम उस मुश्किल रास्ते की तरफ नहीं जाते, हम आसानी से डिक्टेशन देना शुरू कर देते हैं, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। मैं खुद वो कर रहा हूँ जिसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ। सर, मेरे ख्याल से अगर तुम की जगह हम आ जाए तो नहीं, मैं अगर मैं कह रहा हूँ मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, हम इस रूम में तीन लोग बैठे हैं, अगर हम में से इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि जी मैं ये गलत काम नहीं करूँगा,
तो हम तीन लोग जब स्टूडियो से बाहर निकल के जाएंगे तो वो 30 लोगों को इंस्पायर कर सकें। तो ये इसी तरह हमारा दीन कैसे फैला? तलवार से नहीं फैला, आपके अमल से फैला, आपके अखलाक से फैला, आपके तर्ज अमल से फैला, आपने लोगों के साथ बर्ताव कैसा किया उससे फैला। आपको पत्थर पड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उन्होंने बद्दुआ नहीं दी, चाहते तो पहाड़ उनको ख़त्म कर सकते थे, दबा देते, लेकिन उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। तो कहने का मकसद ये है कि हम उस दीन के पैरोकार हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बर्दाश्त है, और आज हम अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए। उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि हमने अपनी दीनी तालीमात को छोड़ दिया, हम सोशलाइजेशन में इतना पड़ गए कि हमने जो हमारे बुनियादी कंसेप्ट हैं उससे हम हट गए। तो आज हमें माशरे को और चांडियो साहब जैसे और आप जिस तरह के प्रोग्राम्स की बहतात होनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करें। हमने लोगों को नफरत की नर्सरियाँ बना दी हैं। आप प्रोग्राम करें उसके खिलाफ, दूसरा प्रोग्राम करें मेरे खिलाफ, तीसरा प्रोग्राम करें उसके खिलाफ। मैं हमेशा टॉक शोज़ में, आज तो खैर बिल्कुल ही ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट है बात करने का, टॉक शोज़ में मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथी होते हैं उनसे मैं एक ही बात करता हूँ कि हमारा सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं। ज़ाती तौर पर हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी तमाम जमातों के जितने भी लीडर हैं बहुत अच्छी ज़ाती दोस्ती है। तो लोग जब हम, मैं आपको अपनी वालदा की मिसाल देता हूँ, सीधी सादी सी औरत है, वो एक टॉक शो में हमारी बहस होती है तो दूसरे, अच्छा उनको पता चल जाता है कि इसके साथ बहस हुई है, वो नेक्स्ट प्रोग्राम में मुझे कहती है तुम इसके साथ क्यों बैठते हो जब इतना लड़ते हो। मैंने कहा ये लड़ाई नहीं होती, ये सिर्फ बातचीत है, उसके बाद हम चाय इकट्ठी पीते हैं, गपशप करते हैं। तो जब तक ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होके आएंगी कि हमने अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्ड करना है, दुश्मनी देखें मैं और मेरी दूसरी पार्टी का लीडर यहाँ लड़ेंगे ना तो नीचे जो वर्कर है वो उनके अंदर भी नफरत आएगी। ठीक सर, नफरत क्यों है? सर कता कलामी के लिए माजरत, यहीं से सिलसिले को हम जोड़ेंगे, पर व्यूवर्स टाइम आए थे ब्रेक जो ये गाल तमाम सुठियों हलन पे प्रोग्राम मिस न कजो छो तो शुरुआत में यही गाल कही त एक बे जो जैसे अलग नजरियो भी है तो उनके बर्दाश्त करणो है। बर्दाश्त एक वाहिद असा वटन मल हथियार है या एकड़ी शय है जैसे जरिए असा मुआशरे के सुठो ठाए सकूं था, बेहतर ठाए सकूं था। मिलूं तो शॉर्ट ब्रेक का पोए।